पैसा भी लेंगे देखिए, सभी को पता है, सभी लोग अवगत हैं कि यातायात महा चल रहा है और हम लोग इसमें बड़े पैमाने पर जन जागरूकता के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाइयाँ निरंतर कर रहे हैं। और ये केवल यातायात पुलिस नहीं, हमारे जनपद की पूरी पुलिस, सभी थाना, सभी लोग मिलकर इस कार्रवाइयों को कर रहे हैं। खास बात इसमें यह है कि हम लोग केवल दंडात्मक कार्रवाइयों पर ज़्यादा ना जोर देकर लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे सीओ साहब भी खड़े हुए हैं। उनको चालान तो हुआ है उनका, लेकिन साथ साथ हमने उनको हेलमेट भी अपनी तरफ से दिए हैं। और विशेष रूप से इसमें जो महिलाएं हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हम लोग हेलमेट का वितरण कर रहे हैं कि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँच सकें। और इसके साथ साथ हम लोग पैम्पलेट्स का वितरण लगातार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप यहाँ सुनाई दे रहा होगा आपको, यहाँ लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि लोग कैसे यातायात नियमों का पालन करें, कैसे उनकी अपने जीवन की सुरक्षा बनाए रखें और अपने घर शाम को वो सुरक्षित बच्चों के बीच में पहुंच सकें। अच्छा, एक ही दौर है कि कोरोना चल रहा है, तो इस दौरान मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा कर रहा है, तो क्या इस अवेयरनेस के साथ मास्क का भी आपने वो हम पूर्व से आपको सभी अवगत हैं कि जब से ये कोविड का टाइम चला है, हम लोगों ने निरंतर मास्क वितरण के कार्यक्रम किए हैं और इसके साथ साथ वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, न केवल यातायात माह में बल्कि इसके अलावा भी हम लोग मास्क वितरण और हेलमेट वितरण, ये सभी कार्रवाइयाँ लोगों कर रहे हैं जिससे लोग सुरक्षित